अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एग बिरयानी। इसके लिए हमने 5 अंडों को उबाल लिया, इन पे येलो फूड कलर डाल दिया, 2 बड़े चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन, 2 बड़ी प्याज़ें, 1 तेज़पत्ता, 1 नींबू, 3 बड़े टमाटर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच छोटा चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच हमारा ये बिरयानी मसाला। हमें इसमें और कुछ नहीं डालना पड़ेगा, बिरयानी मसाले में सब कुछ है। पहले हम ये 2 चम्मच हमने तेल लिया बड़े, इसमें 1 तेज़पत्ता डाला और प्याज डाली। प्याज को हम लाइट ब्राउन कलर का कर लेंगे। इधर हमने ये 1.5 गिलास चावल को बॉईल करने रख दिया, इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पानी डालकर ये बॉईल हो रहे हैं। ये प्याज हो जाए तो हम इसमें बाकी सब मसाले डालेंगे। प्याज हो गई है, अब हम इसमें आधी प्याज हमने निकाल ली फ्राई करके, आधी में ये हम अदरक लहसुन डाल दे रहे हैं। आधे मसाले अभी हम इसमें डाल देंगे, आधे हम चावल की लेयरिंग करते वक्त डालेंगे। ये टमाटर का पेस्ट बना लिया, ये डाल दे रहे हैं। सिंपल वही 3 टमाटर मिक्सी में चला लिए। दो बड़े चम्मच दही, इन सबको भूनेंगे हम। मसाला भून गया, इसमें अब हमने अंडे डालकर 5 से 8 मिनट भूनेंगे इन्हें, ताकि अंडों में भी मसाले का स्वाद चला जाए और ग्रेवी में अंडों का। इसे 5 से 8 मिनट, इधर हमारे चावल बॉयल हो गए, इन्हें हमने छन्नी पे छान के रख दिया है। इनको अब 5 मिनट बाद लेयरिंग करेंगे। भूनते हुए इसे 5 से 10 मिनट हो गए, हमने मसाले को आधा आधा कर लिया, आधा इसमें निकाल लिया आधा इसमें। अब हम इस चावल की थोड़ी सी लेयरिंग डालेंगे। आधे चावल डालेंगे क्योंकि इन चावलों में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये मसाला भी इसमें डालेंगे। थोड़ी सी प्याज भूनेंगे। अच्छी सी इनकी लेयरिंग करेंगे। ये बचा हुआ मसाला आप डाल देंगे। मसाले को भी सब तरफ फैला देंगे थोड़ा सा। ये जो बचे चावल हैं इन्हें हम डालेंगे। इसके ऊपर प्याज डालेंगे, ये ब्राउन प्याज, और जो ये मसाला बचा है ये सब डाल देंगे। और इस पे कलर का, ये मैंने केवड़ा वाटर में येलो कलर करा है, उसको डालकर थोड़ा सा रेड कलर भी डालेंगे और इसे दम पे लगा देंगे। इसे हम नींबू, थोड़ा 1 नींबू निचोड़ देंगे दम पे लगाने से पहले। दम 15 मिनट देना है आपको तवा रख कर। देखिए बिरयानी हमारी तैयार है 15 मिनट के बाद, पूरा चावल खिला खिला है इसमें।
और पूरा गल भी गया, जो एक कनी थी वो भी। अब हम इसको इस पे प्लेट में निकाल कर सर्व करते हैं। एग बिरयानी तैयार है, कचूमर सैलेड और दही के साथ इसे सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है।